मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शन एक्सरसाइज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने 5.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था, आज हम 5.4 एक्सरसाइज करने लगे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमने क्या निकालना है कि ऐसे कौन से टर्म है, मतलब एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे वो हमारे पास फर्स्ट टर्म हो जाए नेगेटिव। मतलब एक मान लो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस चल रही है, वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस चल रही है तो कभी ना कभी वो नेगेटिव पे आएगी, जीरो से कम होएगी होएगी अगर वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है हमें ये पता करना है, नंबर कौन सा उसके फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाए। ठीक है, हमारे पास ये है, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी इस केस में। अब हमारे पास यहाँ पे ए क्या होगा, 121, डिफरेंस कितना है 117 माइनस 121, तो कितना आ गया -4। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एन निकालना है और किसके लिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए। हमने सपोज कर लिया जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो an है, तो यहाँ पे an का फॉर्मूला लगा दो। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। अब क्या होनी चाहिए, वो नेगेटिव लेस देन जीरो होनी चाहिए, इसका मतलब ये किससे लेस होना चाहिए, जीरो से लेस होना चाहिए। ए की वैल्यू पुट कर दो 121 प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस कितना आया था -4 का, लेस देन जीरो। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एन माइनस वन -4 इज लेस देन -121 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, एन माइनस वन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करोगे, जब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करते हैं तो हमारे पास जो ये साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है, एन माइनस वन 4 इज ग्रेटर देन 121 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम माइनस कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, यही तो रिलेशन होता है। अगर हम कहते हैं -4 इज लेस देन -3, यही होता है, लेकिन जब हम नेगेटिव रिमूव कर देते हैं तो यही कहते हैं ना कि 4 ग्रेटर देन 3 हो गया। तो नेगेटिव, जैसे ही हमने नेगेटिव को कैंसिल किया तो हमारे पास जो ये साइन है ये भी इंटरचेंज हो जाता है। एन माइनस वन क्या हुआ, ग्रेटर देन 121 बाय 4 हुआ। 121 बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, एन माइनस एन इज ग्रेटर देन 120 बाय 4 प्लस 1 हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 125 बाय 4, और 125 बाय 4 क्या होता है, 4 थ्री ज़ा 12 एंड 4 वन ज़ा 4 और पॉइंट समथिंग आएगा, तो n इज ग्रेटर देन 31 पॉइंट समथिंग आ गया। तो इसका मतलब n क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होनी चाहिए। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब क्या होगी, 31 के एग्जैक्टली बाद कौन, 31 पॉइंट समथिंग है, 31 पॉइंट समथिंग तो कोई हमारे पास टर्म नहीं होगी। हमें क्या पूछा होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो 31 के पॉइंट के बाद सीधा एग्जैक्टली उसके बाद कौन सी टर्म आती है, 32। तो हम कहेंगे 32 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्योंकि n क्या आया, ग्रेटर देन आता है 31 के केस में, ठीक है ना। तो उसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगी हमारी, n इज इक्वल टू 32, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, इजी सा है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। देखो, सेकंड, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में, द सम ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब A3 क्या होता है, A प्लस 2D होता है, सबको पता है, और A7 क्या होता है, A प्लस 6D होता है। अब हमें क्या दिया हुआ, द सम ऑफ दिस टर्म मतलब A3 प्लस A7 इज इक्वल टू 6 गिवन है, और इनकी प्रोडक्ट A3 इंटू A7 हमें गिवन है 8, ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ 16, हमें निकालना है S16, राइट, S16 निकालना। A3 प्लस A7 का मतलब क्या होता है, A प्लस 2D प्लस A प्लस 6D इज इक्वल टू 6, इट मीन्स 2A प्लस 8D इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूँ तो क्या आएगा, A प्लस 4D इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, इट मीन्स A क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4D। A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन टर्म्स ऑफ D। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, A3 की वैल्यू A प्लस 2D, A7 की वैल्यू A प्लस 6D इज इक्वल टू क्या है, 8 है, बट A की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, 3 माइनस 4D निकाली अभी अभी, ठीक है ना, ये निकाला है ना A, और सॉरी प्लस 2D साथ में था। इसी तरीके से 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2D
और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2d = 8। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मतलब 3² - 4d² = 8। तो इट मीन्स क्या हुआ, 9 - 16d² = 8। अगर -16d² = -1, -1 से कैंसिल, तो डी स्क्वेयर क्या आ गया, सॉरी ये 2d का स्क्वेयर था ना, ये 4 आएगा, ठीक है। डी स्क्वेयर क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो d की वैल्यू क्या आएगी, ±1/2, ठीक है। d की वैल्यू आ गई ±1/2 आ गई। अब d आ गया तो a भी निकाल लो। a क्या था यहाँ से, केस वन, इफ d इज इक्वल टू 1/2, जब d 1/2 था तो a की वैल्यू क्या होगी, 1/2, 2 से 2 गया 1, तो a की वैल्यू आ गई 1 इफ d इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इफ d इज इक्वल टू -1/2 देन a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 - 4 - -1/2 प्लस हो जाएगा, 2 से कैंसिल, तो 5 हो गया। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 5, दो केस हो गए, ठीक है ना। तो एक बार हमारे पास d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1, और एक बार a की वैल्यू आ गई 5। अब इन दोनों केसेस से हमें सम ऑफ 16 टर्म्स, दो सम निकलेंगे इसके, ठीक है। ये रब कर दूँ, अब हमें निकालना है सम ऑफ 16 टर्म्स। सम ऑफ 16 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 * d होता है। n की वैल्यू n 16/2, अब a की वैल्यू मैंने ले ली, अब 1 ले ली पहले, ठीक है। 2 * 1 + n - 1 = 15 * d की वैल्यू क्या थी, d तो हमारा a की था, 1/2 था। हम हमारा पहले d 1/2 था ना, जब हमारे पास d a 1 था तो d हमारे पास 1/2 था। तो इसी तरीके से करेंगे, 16/2 = 8, 2 + 15/2, यहाँ से 8, ये क्या आ गया, 19/2 आ जाएगा, कैंसिल, 4 का क्या हो गया, 76। तो सम हमारा निकल गया 76 इन केस ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू 1/2। इसी तरीके से जब a इज इक्वल टू 5 है और d -1/2 था, तब क्या होगा, सम ऑफ 16 टर्म्स वही 16/8 हो गया, ठीक है। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 5 + n - 1 मतलब 15 - 1/2, ठीक है। तो वही 5 × 2 = 10 + - 15/2। तो इट मीन्स 20 - 15 मतलब 5/2, 5/2 क्या आ जाएगा, 8/20 - 15/2, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 × 4 = 20। तो सम ऑफ 16 टर्म्स क्या हो गया, 20 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो अब हमारे पास दो आंसर हो गए, 20 and 76, राइट। इजी थी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, दिखाती क्वेश्चन। अ लेडर has rungs 25 cm apart, मतलब ये लेडर है, इसके रंग्स जो हैं, मतलब ये जो सीढ़ियाँ जो हम चढ़ते हैं, इनमें गैप कितना है, 25 cm का गैप है, और टोटल कितना गैप है, 2.5 meter, मतलब 2.5 meter। पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दो, 2 आ जाएगा 5/2 meter, 5/2 मतलब 2 meter, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करके तो तुम्हारा आ जाएगा 250 cm आ जाएगा, राइट। उसके बाद द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, रंग्स बड़े फिर छोटा छोटा होता जा रहा है, 45 cm से रंग्स की जो चौड़ाई है वो शुरू हुई और 25 cm पर जाकर रुकी, और ये कितने अपार्ट है, 25 cm अपार्ट। तो हमें यह निकालना है कि जो वुड बनानी है, वुड निकालनी है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, इन रंग्स के लिए कितनी वुड रिक्वायर्ड होगी। तो हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे, इसका 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 इन सारे रंग्स का सम निकाल लेंगे, तो हमारे पास निकल जाएगा क्वेश्चन। तो अब हमने सबसे पहले निकालना है कि रंग्स कितने हैं, एन निकालना है। देखो एन निकालने का सिंपल सा मेथड है, जो हमारे पास जो है ये टोटल, देखो ये कितना है, 2.5 meter है, मतलब 250 cm बनेगा। कैसे बनेगा,
2.5 meter. तो इट मींस क्या वो 5/2 meter हुआ. 5/2 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 50, तो ये आ गया 250 centimeter. तो ये लंबाई कितनी होगी, 250 centimeter. अब कितनी है एक में कितना गैप है, 25 गैप है. तो हमने इस एन निकालने के लिए सिंपल सा मेथड होता है 250/25+1. तो मतलब कि सबसे पहले ये रंग्स निकालने का, नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला लर्न करके रखो, बाद में भी यूज़ होगा तुम्हारा. तो रंग्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर, टोटल लेंथ अपॉन में नंबर ऑफ रंग्स प्लस वन. ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो टोटल लेंथ, टोटल मतलब डिस्टेंस निकाल सकते हो, टोटल डिस्टेंस लिख सकते हो अपॉन नंबर ऑफ रंग्स प्लस वन. तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, एन निकल गया, नंबर ऑफ रंग्स निकल गए. अब नंबर ऑफ रंग्स निकल गए हमारे, तो हमें क्या निकालना है, वुड रिक्वायर्ड करना है. तो हमारे पास एपी क्या बनी, पहला क्या है 45 है, फिर उसके बाद लास्ट हमारा क्या आ जाता है 25 सेंटीमीटर तक आ जाता है. ठीक है, तो हमने क्या इन सब का सम करना है. तो नंबर ऑफ कितने हैं, हमें पता है कि नंबर कितने हैं हमारे, 250/25 कितना हो गया, एन 11 आ गया. तो एन हमारा यहाँ से आ गया 11, 250/25 10 10+1 11. तो एन हमारे पास आ गया 11. तो हमें निकालना है इसका मतलब एस 11 निकालना है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय टू ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, गैप नहीं है आपस में एक दूसरे में, मतलब कि हमें ये नहीं पता कि वो 25 के बाद कितना है, ठीक है ना, कितना डिक्रीज हो रहा है. तो हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया जो हमारे पास था ऑलरेडी. तो 11/2 ए की वैल्यू क्या है, 25 से स्टार्ट, 45 से स्टार्ट कर रहा है, और एल कहाँ तक पहुँच रहा है, 25 तक पहुँच रहा है. तो 11/2 ये कितना आ जाएगा, टोटल करोगे तो इसको 70 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 35 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा तुम्हारा 385. मतलब कि जो वुड रिक्वायर्ड है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी, 385 सेंटीमीटर, इतनी वुड की हमें रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, क्वेश्चन आगे समझ में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, देखना, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटली फ्रॉम 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house number x is equal to the sum of number of the houses following it. Find the value of x. अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो. हाउसेज ऑफ ए रो क्या है, नंबर कॉन्सिक्यूटली 1 to 49 तक तो हाउसेज हैं. देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ x, एक ऐसी x की वैल्यू है जहाँ पर क्या होता है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेज प्रिसीडिंग द हाउस, मतलब कि उन सारे सम सारे हाउसेस के नंबर्स का सम करके जो उसको प्रिसीड करते हैं, उससे पहले वाले सबको, प्रिसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द, हाँ, प्रिसीडिंग द हाउस नंबर एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, और जो उसको फॉलो करते हैं उसके सम के इक्वल हो जाए. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि एक ऐसे एक्स की वैल्यू आएगी जहाँ पर क्या होगा हमारे पास, जो उससे पीछे वाले होंगे उनका सम किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू द हाउसेज जो उसके सक्सीड कर रहे हैं, मतलब उससे आगे वाले. ध्यान से पढ़ो, द हाउसेज ऑफ रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिव फ्रॉम 1 to 9, शो दैट देर इज अ वैल्यू एक्स सच दैट सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेज प्रिसीडिंग द हाउस, उससे पहले वाले मतलब जितने भी थे, ठीक है ना, एस एक्स है अगर सम, तो उससे SX-1, SX-2 सारे x इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट, जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो वाले. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, देखिए हमने क्या ले लिया, द हाउसेज आर नंबर कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. हाउसेज इसी तरीके से हैं, नंबर ऑफ हाउसेज बिफोर हाउस नंबर x इज x-1. देखो जिसे मान लो ना, ये हाउस बने हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से बता देती हूँ, ये हाउस बने हुए हैं. तो ये हाउसेज कितने हैं, ये सपोज कर लो ये x-1 है, और ये हमारे पास हाउस है x, और इसके बाद जो हाउसेज हैं, अच्छे से नहीं बना रही, बस थोड़ा जल्दी में हूँ चूज करके. ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर हो गए x+1th हाउस, ये x+2th हाउस, और ये कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये जो ये 49th हाउस है, टोटल 49 हाउस है ना, तो इनकी नंबरिंग क्या होगी, ये टोटल नंबर कितने हाउस हैं, ये 49 - x हाउसेज हैं, ये x-1, ये x, और ये कितने होंगे, 49 - x होंगे ना. ठीक है ना, तो इन सबको हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 हाउसेज आ जाएंगे, करेक्ट हो गया ना. अब हमने देखो क्या करना है,
अब हमारे पास ये हाउसेज हो गए, अब हमें दिखाना सम ऑफ हाउसेज नंबर, इसके नंबर्स, इन सारे हाउसेज के नंबर्स का सम, इन सारे हाउसेज के नंबर्स का सम क्या होगा। देखो सम ऑफ हाउसेज, कितने हाउसेज हैं ये, एस ऑफ एक्स माइनस वन हाउसेज हैं, इनका सम कितना होगा हमें फॉर्मूला पता है। देखो क्या सम होगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एक्स माइनस वन सम होगा। ये फर्स्ट नंबर का हाउस है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, और ये क्या है x माइनस वन का, इन सब के नंबर्स का सम यही होगा। इनके सम सम का फॉर्मूला क्या होता है, n बाय टू, मतलब कि x माइनस वन अपॉन टू, टू ए मतलब a क्या है वन, प्लस n माइनस वन इंटू डी, हमें कितने सम है टोटल, x माइनस वन है, x माइनस वन कि x माइनस वन डिफरेंस कितने का है वन का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस वन अपॉन टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको दो मेथड से कर सकते थे, a प्लस एल वाले मेथड से भी कर सकते थे, तो सेम ही आएगा, टू प्लस एक्स माइनस टू हो जाएगा, माइनस माइनस टू, तो ये आ गया, तो माइनस टू से टू कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आ गया, x बचा, x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन में टू, तो ये मेरे पास क्या आ गया, सम ऑफ x माइनस वन हाउसेस, ठीक है, नंबर्स का सम दे दो। अब इनका सम निकाल लो, इनका सम कैसे निकलोगे, निकालोगे कितने हैं टोटल, 49 माइनस एक्स है टोटल, ठीक है ना, तो एस ऑफ 49 माइनस एक्स हाउसेस। अब ये कितना होगा, कहाँ से शुरू है, x प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस क्या निकालना है हमें, s प्लस 49, मतलब कि 49 सम है, x प्लस वन एक्स प्लस टू 49 का सम कर दिया, ठीक है। तो अब वही फॉर्मूला क्या, n कितना है, नंबर ऑफ कितने होंगे, 49 माइनस एक्स है, टोटल कितने आएंगे, 49 माइनस एक्स है ना ये, तो n बाय टू, ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें भी, 49 माइनस एक्स अपॉन टू, ए की वैल्यू क्या है x प्लस वन, और n की वैल्यू क्या है 49, समझ में आ गया, इजी सा है प्रोसेस। तो अब किसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 49 माइनस एक्स अपॉन टू फॉर एक्स प्लस 50, तो ये मेरा क्या आ गया, सम ऑफ x प्लस वन से लेकर 49 तक के जो हमारे हाउसेस थे उसका सम आ गया। अब उन्होंने क्या कहा था कि जो प्रिसीडिंग, ये इसके इक्वल हो गए सम, जो प्रिसीड करते हैं और जो फॉलो करते हैं उनका सम बराबर है, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, तो इसका मतलब x इंटू एक्स माइनस वन अपॉइंट टू इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स पॉइंट टू इज इंटू एक्स प्लस 50, तो इनको हम सम इक्वल रख देंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मैं रब कर रही हूँ यहाँ तक, देखो अब हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया, इक्वल रख दिया तो क्या, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, जब इक्वल रखा देखो ना 2 से 2 कैंसिल हो गया, और बचा क्या, x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 50, ये बच्चा अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 49x, 49 इंटू 50 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लो ना, आएगा 2450 आ जाएगा, ठीक है ना, 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 250 में से 5 गए 245 0 आ गया, माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस 50x, और ये दोनों तो प्लस का आएगा, राइट। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगी, एक्स स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर 2x² हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा इज इक्वल टू ये 49 50x, ये 49 माइनस एक्स और माइनस एक्स, और यहाँ पे भी एक मिनट यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये एक्स इंटू एक्स माइनस वन था ना, ये एक्स इंटू एक्स माइनस वन है, ये माइनस है, राइट मैंने प्लस लिख दिया गलती से, तो ये क्या हो गया माइनस, ये 49 माइनस से 50 माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो गए, एक्स की कोई भी टर्म नहीं बची हमारे पास, विच और ये क्या बचा 2450, इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या एक्स क्या आ जाएगा 1225 आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 35 का स्क्वायर होता है, एक्स की वैल्यू आ गई 35, तो इसका मतलब 35th हाउस नंबर ऐसे था जहाँ पे जो सम पीछे वाले और उससे आगे वाले को फॉलो, मतलब जो सम करेंगे उनका, मतलब कि 1 से लेकर 134 तक का सम करेंगे और 36 से लेकर 49 तक का सम करेंगे, वो इक्वल आएगा हमारा, ठीक है, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल टेरेस एट अ फुटबॉल ग्राउंड कॉम्प्राइजेज ऑफ 15 स्टेप्स हैं, ऐसे 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 करके 15 स्टेप्स हैं, राइट। अब ईच ऑफ विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग,
जो ये लंबाई है ना उनकी, जैसे ऐसे स्टेप है ना ये स्टेप, तो ये कितना लंबा है, 50 मीटर लॉन्ग है, राइट, एंड बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, और सॉलिड कंक्रीट से मिला हुआ है। ई स्टेप हैज़ ए राइज ऑफ 1/4, मतलब जो हर एक, जो कितना ऊंचा है हर एक स्टेप, 1/4 ऊंचा है, मतलब जो ये चीज़ है ना ये 1/4 है, ठीक है। एंड एट ट्रेड ऑफ 1/2 meter, और जो ये चीज़ होती है उसकी कितनी चौड़ाई है, मतलब उसकी एक स्टेप की कितनी चौड़ाई है, वो कितनी है हमारी, 1/2 meter है, ठीक है। अब हमसे पूछा कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। अब पूरे टेरेस पे जितना कंक्रीट यूज़ होता है ना, वो हमें फाइंड आउट, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो सब सिंपल सी बात है, अब हमारे पास ना ये स्टेप्स बन रहे हैं, तो ये क्यूबॉइड बन रहा है, देखो ये क्या बन रहा है, क्यूबॉइड बन रहा है जिसकी लेंथ 1/4 है, ब्रेथ 1/2 है, सॉरी हाइट 1/4 है, ब्रेथ 1/2 है, और लेंथ कितनी है, 50। तो एक वॉल्यूम्स बन रहे हैं ये, छोटे 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 वॉल्यूम्स बन रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, इस स्टेप की लंबाई कितनी है, 1/4 हाइट, नेक्स्ट स्टेप की 1/2 और ऐड हो गया उसमें, तो 1/2 हाफ हो गया, तो इस तरीके से उसकी लंबाई भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो कंक्रीट का यूज़ बढ़ता जाएगा, तो किस तरीके से करेंगे बताती हूँ तुम्हें। इसको रब कर दूँ पहले, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, हरियाणा बोर्ड के लिए नहीं, अच्छे मतलब ये CBSE वालों के लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। अब जो हमारे पास हाइट ऑफ द हाइट, फर्स्ट स्टेप की हाइट कितनी है हमारी, 1/4 meter है, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखो हर एक स्टेप की हाइट कितनी है, 1/4 है, हर एक स्टेप की हाइट कितनी है, 1/4। उसके बाद अगले स्टेप की 1/4 है, तो देखो हमारे पास क्या होगा, ये वाला 1/4 और ये वाला 1/4, ये दोनों कितने हो जाएंगे, ये 1/4 + 1/4 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो ये वाली लंबाई होगी नेक्स्ट स्टेप के लिए, उससे नेक्स्ट स्टेप के लिए 1/4 और ऐड हो जाएगा, 3 × 1/4 हो जाएगा, फिर 3 × 4 × 1/4 हो जाएगा, 5 × 1/4 हो जाएगा, मतलब कि हर एक स्टेप के लिए लेंथ सेम रहेगी, ब्रेथ सेम रहेगी, बट हाइट इंक्रीज हो जाएगी हर स्टेप में। हाइट यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 × 1/4 है, यहाँ पे 1/4 × 2 है, फिर 1/4 × 3 है, फिर 1/4 × 4 है, मतलब इस तरीके से हमारी हाइट बढ़ती जा रही है हर स्टेप के लिए, बट ब्रेथ और लेंथ सेम रहेगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हाइट फर्स्ट स्टेप की तो ये थी, हाइट ऑफ सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप की हाइट क्या हो जाएगी हमारी, 1/4 + 1/4 हो जाएगी, समझ आ गया ना, ये क्या हो गया हमारा, 1/2 meter। नेक्स्ट थर्ड स्टेप के लिए 1/4 + 1/4 + 1/4 विच इज़ इक्वल टू 3/4 meter हो गया, एंड सो ऑन। लेकिन लेंथ ऑफ ईच स्टेप, लेंथ ऑफ ईच स्टेप क्या लिखोगे तुम, हर एक लेंथ कितनी है, 50 meter ही है, और ब्रेथ भी हर एक स्टेप के लिए कितनी है, 1/2 meter, दे कांट बी चेंज्ड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट नीडेड फॉर द फर्स्ट स्टेप, वॉल्यूम फॉर फर्स्ट स्टेप के लिए वॉल्यूम क्या होगा, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो लेंथ क्या है फर्स्ट स्टेप के लिए, सेम 50, ब्रेथ कितनी है 1/2, और हाइट कितनी है 1/4। नेक्स्ट स्टेप के लिए देखो, सेकेंड स्टेप के लिए सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 50 × 1/2 सेम रहेगा, लेकिन हाइट चेंज हो गई हमारी 1/2 करके, ठीक है ना। थर्ड स्टेप के लिए सेम रहेगा, 50 × 1/2 × 3/4 आ गया, तो इस तरीके से हमारा वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये क्या बन गई, एक AP सीरीज बन गई, समझ में आ गया ना, AP सीरीज बन गई हमारे पास सारों के साथ साथ, ठीक है। तो अगर हम तुम सॉल्व भी कर लेते हो तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, तुम कैसे कर लो उसको, सॉल्व कर लो। तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बेटा, ये 25/4 आ जाएगा, ये क्या आएगा 25/2 आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब लिखना मत भूलना, मीटर क्यूब में है ना सारे के सारे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा, 25 × 75/4 आ गया मीटर क्यूब एंड सोन। तो ये AP सीरीज़ बन गई। AP सीरीज़ कैसे बन गई, इनको माइनस करके देखो, फिर इन दोनों को माइनस करके देखो, हमारा डिफरेंस सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। मैं करके भी दिखा देती हूँ तुम्हें डिफरेंस कैसे सेम रहेगा। देखो ये A1 है, ये A2 है,
और ये ए वन ए टू और ये ए थ्री। तो ए टू माइनस ए वन मैं करूँगी तो क्या आएगा 25/2 माइनस 25/4, तो ये क्या आएगा 4 एलसीएम 50 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 25/4। इसी तरीके से मैं ए थ्री माइनस ए टू करके दिखाती हूँ तुम्हें, 75/4 माइनस 25/2 4 एलसीएम 75 माइनस 50 आ गया, तो ये भी क्या आ गया 25/4। तो इसका मतलब ये क्या बन गई, मेरी एपी बन गई, राइट। तो ये एपी बनने के बाद अब देखो डिफरेंस कितना है 25/4 का, और फर्स्ट टर्म कितनी थी मेरी 25/4 ही, तो ए क्या हो गया 25/4 और डिफरेंस क्या हो गया 25/4 अगेन, दोनों का ही सेम है। तो कितने स्टेप हैं टोटल, 15 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया ना हमारा वी वन वी टू वी थ्री करके हमारे सारे ए पी वन इनका सब कर रहे, अब सारे के सारे वॉल्यूम्स का सम करना है। अब सभी वॉल्यूम्स का सम करना है तो क्या होगा, सम ऑफ एस 15 लिखोगे एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। n कितना है 15/2, 2a की वैल्यू क्या है 25/4 प्लस एन माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 14 और अगेन ये 25/4। तो अब क्या करो 15 इंटू 22 25/4 कॉमन निकाल लो दोनों में से, इजी हो जाएगा। तो क्या बचा 2 प्लस 14 बचा। अब इसको सॉल्व कर लो क्या आ जाएगा 15/2 25/4 इंटू 16, 4 से 4 कैंसिल, 4 से फिर 2 कैंसिल, फिर क्या आ गया 15 इंटू 50, ये क्या आ गया 750, ये हमारा हो गया 750 मीटर क्यूब, ये हमारा हो गया टोटल वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर दिस कंक्रीट, मतलब इस कंक्रीट के लिए कितना वॉल्यूम हमें निकालना चाहिए 750 मीटर क्यूब। अब देखो मैंने कैलकुलेशन इस तरीके से करी जिस तरह से मेरा बहुत ही इजी हो गई कैलकुलेशन, ना मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ी ना मुझे साइड में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी, और कैलकुलेशन भी देखो क्या किया था 25/4 को कॉमन ले लिया था, तुम क्या करते इसको मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिर टफ हो जाता है, मतलब टफ तो नहीं मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। अब तुम्हारी 5.4 मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी है, ऑप्शनल एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो अब तुम क्या करना है, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ करना, और तुम्हें समझ आ गया तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और अगर कोई प्रॉब्लम है कोई क्वेरी है तो मुझसे फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।